वैस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, मतलब वैस्कुलर टिश्यू मतलब, वैस्कुलर टिश्यू मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम ब्रायोफाइट में नहीं पाया जाता है। देखिए जो जाइलम फ्लोएम सबसे पहले कहाँ शुरू होता है, टेरिडोफाइट में। देखिए अगर आप प्लांटी की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोगों ने एल्गी पढ़ा, ठीक। एल्गी के बाद अब हम लोग ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, ठीक है। ब्रायोफाइट के बाद हम लोग टेरिडोफाइट पढ़ेंगे, टेरिडोफाइट के बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म के बाद हम लोग एंजियोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए एल्गी में भी वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता था, न तो ब्रायोफाइट में वैस्कुलर सिस्टम होता है, मतलब इन दोनों में जाइलम फ्लोएम नहीं पाया जाता है, वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट। एल्गी के ज़्यादातर मेंबर एक्वेटिक होते थे, जबकि ब्रायोफाइट के ज़्यादातर मेंबर टेरेस्ट्रियल होते थे। देखिए अब एल्गी और ब्रायोफाइट में एक समानता और है। देखिए एल्गी में भी जूस स्पोर पाया जाता था, बायोफ्लेजलेट जूस स्पोर, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में, जैसे ग्रीन एल्गी में, ठीक है। अगर ओडियोगोनियम को छोड़िए, ओडियोगोनियम में ऐसा एल्गी था ग्रीन एल्गी जिसमें मल्टी फ्लेजलेट जूस स्पोर पाया जाता था, ठीक है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट दोनों में जो मेल गैमेटोफाइट्स होता है, या गैमिट जो होता है, मैं गैमेटोफाइट बोल रहा हूँ, जो गैमिट्स होता है वो फ्लेजलेटेड होता है, ठीक है। गैमिट्स आर फ्लेजलेटेड, आर फ्लेजलेटेड दोनों में, ठीक है। वैस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है, गैमिट्स फ्लेजलेटेड होता है। अब देखिए टेरिडोफाइट पहला लैंड प्लांट है जहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। फर्स्ट लैंड प्लांट वेयर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड, फर्स्ट लैंड प्लांट वेयर वैस्कुलर सिस्टम इज फाउंड। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म में भी वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, एंजियोस्पर्म में भी होता है। मतलब एक दो तीन चार पाँच, पाँचों में से सिर्फ एल्गी और ब्रायोफाइट ऐसे हैं जिसमें वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता, बाकी तीनों में वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब देखिए ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इन तीनों को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोफाइटा, यानी इनमें एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियोफाइटा कहते हैं, ठीक है। इन तीनों मतलब इन चारों में एम्ब्रियो बनता है। अब ब्रायोफाइट में आ जाते हैं, ब्रायोफाइट में मतलब कि ट्रू लीफ रूट स्टेम एब्सेंट होता है। देखिए ब्रायोफाइट में भी एल्गी की तरह ही वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन होता है, वो भी फ्रेगमेंटेशन के द्वारा सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है इसमें, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। देखिए फ्रेगमेंटेशन के अलावा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ट्यूबर के द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा, जेमी के द्वारा, बड के द्वारा, और एडवेंटिशियस ब्रांच के द्वारा होता है। अब देखिए जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन माइटोस्पोर्स के द्वारा या स्पोर जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होता, जैसे आपने एल्गी में और फंजाई में पढ़ा था कि वहाँ पे स्पोर्स बनते थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन ब्रायोफाइट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट। ये देखिए मैंने माइटोस्पोर्स लिखा है, स्पोर्स का मतलब ये होता है कि जो माइटोटिक डिवीजन के द्वारा यानी सूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं उनको स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। और जो मियोसिस के द्वारा बनते हैं उनको गैमिट कहते हैं। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें जनरली जो रिप्रोडक्शन होता है वो स्पोर्स के द्वारा ही होता है। स्पोर्स बन गए थे, कोनिडिया बन गए थे, इसी तरह से आपका एल्गी में कोनिडिया बन गए थे, स्पोर बन गए थे। एल्गी में आपने देखा जूस स्पोर बन गए थे या प्लानोस्पोर बन गए थे, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन ब्रायोफाइट में नहीं होता है। अब देखिए इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है एल्गी से डेवलप होता है, ठीक है। यहाँ पर जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाते हैं। तो जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम एंथ्रीडियम कहते हैं, एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम आर्चेगोनियम कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो सेक्स ऑर्गन होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर। इसके अलावा क्या होता है, जैकेट में बंद होता है, जैकेटेड, यानी जैकेट में बंद होता है, जैकेटेड। अब देखिए
एल्गी में जो सेक्स ऑर्गन होता था वो यूनिसेलुलर होता था, ठीक है। एल्गी में सेक्स ऑर्गन जो था वो यूनिसेलुलर होता था और विदाउट जैकेटेड था, विदाउट जैकेटेड मतलब किसी भी कवरिंग में सेक्स ऑर्गन वहाँ पर बंद नहीं रहता था। लेकिन पहली बार ब्रायोफाइट में जो सेक्स ऑर्गन है मल्टीसेलुलर है और जैकेट के अंदर कवर है। दूसरी बात, एल्गी में फीमेल सेक्स ऑर्गन के रूप में आर्चेगोनिया नहीं पाया जाता था, यानी आर्चेगोनियम वहाँ पे नहीं होता था, आर्चेगोनियम एब्सेंट, ठीक है। यानी कि एल्गी में दोनों चीज़ें नहीं होती थी वहाँ पे, देखिए वहाँ के सेक्स ऑर्गन में, लेकिन ब्रायोफाइट में आर्चेगोनियम होता है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स आर फर्स्ट आर्चेगोनिएट्स, बात समझ। देखिए अब यहाँ पे अगर आप बात करेंगे इस जगह पे, तो यहाँ पे ब्रायोफाइट, यहाँ पे देखिए ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, इन तीनों में आर्चेगोनिया पाया जाता है, ठीक है, जबकि एंजियोस्पर्म में नहीं होता है। तो आर्चेगोनिया कहाँ पाया जाता है? ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। एल्गी में आर्चेगोनिया एब्सेंट होता है। अगर मेल सेक्स ऑर्गन की बात की जाए तो एंथेरिडियम ब्रायोफाइट में टेरिडोफाइट में पाया जाता है, इसके अलावा एल्गी में भी पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब आर्चेगोनियम ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में पाया जाता है। इस तरह से ब्रायोफाइट फर्स्ट आर्चेगोनिएट हुआ ना। अब देखिए इसका मेल गैमेट जो होता है वो एंथ्रेजॉइड होता है, एंथ्रेजॉइड्स जो ट्विस्टेड होता है, ट्विस्टेड कामाशेप, ठीक है, और दो फ्लेजला पाया जाता है। ये देखिए ये ग्रीन एल्गी के साथ सिमिलरिटी को शो करते हैं, यानी कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से ये ट्विस्टेड हो गया और ये दो फ्लेजला हो गए। अब देखिए ये एंथ्रेजॉइड जो होता है, वाटर लेयर होती है, वाटर की बूंद जो होती है उसमें स्विम करते हैं, ठीक है, और स्विम करते हुए आर्चेगोनिया के पास पहुंचते हैं, ठीक है। इस मेथड को हम बोलते हैं जुआइडोगेमी, ठीक। इसीलिए हम ब्रायोफाइट को एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की आवश्यकता होती है, बिना वाटर के ये फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि पानी में तैरते हुए जाता है ये आर्चेगोनिया के पास। देखिए ये आर्चेगोनिया होता है इस तरह से, ये नीचे इस तरह से वेंटर होता है, वेंटर इसको बोलते हैं, ठीक है, वेंटर। ये देखिए नेक सेल है, नेक कैनाल सेल, ये नेक कैनाल सेल हो गई, इसमें ये नेक इसको कह देंगे नेक, ठीक। अब इसके अंदर ये नेक कैनाल सेल होती है, नेक कैनाल सेल, यानी कि नेक कैनाल सेल, ठीक है। ये वेंटर हो गया, नीचे ये वेंटर हो गया, ये वेंट्रल कैनाल सेल हो गई, VCC भी इसको बोलते हैं, वेंट्रल कैनाल सेल, और ये नीचे ऊस्पो होती है, ऊस्पोस, जिसको आप फीमेल गैमेट्स भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर कवर सेल होती है, लीड सेल, कवर सेल। अब देखिए एंथ्रोजाइट पानी में तैरते हुए इसके अंदर घुसता है और ऊस्पो के साथ फर्टिलाइज करता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्ब्रियो बनता है, इम्ब्रियो बनता है क्योंकि ये फर्स्ट इम्ब्रियोफाइटा है, ठीक है। अब ये इम्ब्रियो का डिवीजन इसी के अंदर होने लगता है, ठीक है, और ये जो डिवीजन होता है कैसा होता है? माइटोसिस डिवीजन होता है, ठीक। अब देखिए ये क्योंकि ये पूरा जो आप आर्चेगोनिया देख रहे हैं ये गैमेटोफाइट प्लांट पे ही होता है, जैसे अब गैमेटोफाइट प्लांट होता है उसी के अंदर आर्चेगोनिया होता है, तो इम्ब्रियो भी कहाँ बनेगा? गैमेटोफाइट पे ही बनेगा। तो इसमें डिवीजन कैसा होगा? डिवाइड बाय माइटोसिस, ठीक है, और जो कि बाद में डेवलप करके क्या बनाएगा, क्योंकि ये देखिए यन मिलकर 2N था, तो ये 2N हो गया, तो बाद में डिवाइड करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये स्पोरोफाइट जो होगा ये डिपेंड होगा किस पे? गैमेटोफाइट पे, यानी पैरासाइट होगा ऑन द गैमेटोफाइट, ठीक, स्पोरोफाइट। तो विच इज
पैरासाइट, पैरासाइट ओवर द गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट ठीक। कुछ केसेस में पार्शियल पैरासाइट भी होता है, ठीक है। अब देखिए स्पोरोफाइट्स को हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं, स्पोरोगोनियम ठीक है। अब अगर स्पोरोगोनियम की बात की, देखिए पूरा टू एन स्ट्रक्चर है, डुप्लॉयड स्ट्रक्चर है, ठीक है, जबकि गैमेटोफाइट हैप्लॉयड होता है। इस स्पोरोगोनियम में तीन पार्ट होते हैं। सबसे ऊपर कैप्सूल होता है जिसमें कि स्पोर्स बनते हैं, उसके बाद सीटा होता है और उसके बाद फुट होता है, ठीक। इसमें जो स्पोर्स बनते हैं वो मियोसिस के द्वारा बनते हैं, हैप्लॉयड स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। अब देखिए कैप्सूल के अंदर ही जो स्पोर मदर सेल होती है उसमें मियोसिस होता है, मियोसिस इन स्पोर मदर सेल, ठीक है, या एसएमसी मतलब स्पोर मदर सेल। और क्या बनाता है वो, हैप्लॉयड स्पोर बनाता है, हैप्लॉयड स्पोर, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मियोस्पोर भी बोल सकते हैं, ठीक, हैप्लॉयड स्पोर। या अब ये स्पोर जो होता है जर्मिनेट करेगा, जर्मिनेट करेगा, क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट प्लांट बनाएगा, गैमेटोफाइट प्लांट बनाएगा, जो कि यन होगा, ठीक है, क्योंकि यन से डेवलप किया है, यन होगा, बस समझ में आई। अब इसके बाद फिर इसके बाद इसमें दोनों चीज़ें बनती हैं आपका, दोनों सेक्स ऑर्गन, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है, आर्चेगोनिया और एंथेरिडियम, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों में फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद मतलब दोनों में फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन फिर स्पोरोगोनियम बना, फिर इस तरह से साइकिल चलती रहती है, ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख रहे हैं। अब देखिए एक खास बात और होती है कि जो ब्रायोफाइट होते हैं, जो स्पोर बनाते हैं, वो सिंपल सिंगल टाइप का होता है, सिंगल टाइप स्पोर, ठीक है, सिंगल टाइप मतलब एक ही तरह के स्पोर्स बनाते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट को, होमोस्पोरस, होमोस्पोरस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, क्योंकि सिंगल टाइप का स्पोर्स बनता है इसलिए ब्रायोफाइट को हम होमोस्पोरस भी कहते हैं। अब देखिए जो स्पोरोगोनियम स्पोर बनता है, स्पोर्स मैंने बताया कि जर्मिनेट करके ये क्या बना लेता है, गैमेटोफाइट बना लेता है, डायरेक्टली या तो गैमेटोफाइट प्लांट बना लेगा, गैमेटोफाइट प्लांट, ठीक है, या तो ये पहले प्रोटोनिमा बनाएगा, जर्मिनेट करके, जर्मिनेट करके या तो डायरेक्टली ये बना लिया, या तो जर्मिनेट करके ये क्या बनाएगा, जैसे स्पोर्स है तो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से निकलेगा जिसको हम प्रोटोनिमा बोलते हैं, प्रोटोनिमा ऑब्लिक वाल, ठीक, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा के बाद तब जाके गैमेटोफाइट प्लांट बनेगा, ठीक है। तो ये जो गैमेटो बीच में प्रोटोनिमा बन गया है तो ये जो जर्मिनेट करेगा तो ये जुबेनाइल स्टेज बनेगा, ठीक है, जुबेनाइल फिलामेंटस स्टेज को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जुबेनाइल, जुबेनाइल फिलामेंटस, क्योंकि फिलामेंट की तरह होता है प्रोटोनिमा स्टेज। देखिए इसी प्रोटोनिमा, क्योंकि प्रोटोनिमा जमीन के नीचे बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, मतलब एकदम ब्रांच, हाईली ब्रांच हो जाती है, इसलिए आपने बरसात के दिन में देखा होगा फ्यूनेरिया की एकदम ग्रीन कारपेट बिछ जाती है अचानक से, ठीक है, इसी की वजह से, इसीलिए मास में जम जाते हैं, इसलिए इनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। अब देखिए हैप्लॉयड स्टेज भी होता है, डिप्लॉयड स्टेज भी होता है, इसलिए इसकी लाइफ साइकिल क्या कहते हैं, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ठीक है, यानी हेटरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है इसमें, हेटरोलॉगस, क्योंकि दो तरह के इसमें स्टेज पाई जाती है, स्पोरोफाइट्स एंड गैमेटोफाइट्स, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हेटरोलॉगस अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है।